गुड मॉर्निंग क्लास। आज विश्व के भूगोल में हम और आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जीएस पॉइंट अकील सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज हम और आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में अध्ययन करेंगे। मैंने आपको बताया था कि विश्व में पहले 7 महाद्वीप थे, एक नए महाद्वीप की खोज हो चुकी है, उस नए महाद्वीप का नाम है जीलैंडिया। इस प्रकार विश्व में कुल 8 महाद्वीप हो गए हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, दूसरे नंबर का महाद्वीप अफ्रीका है, तीसरे नंबर का जो बड़ा महाद्वीप है वो उत्तरी अमेरिका है, चौथे नंबर का जो बड़ा महाद्वीप है वो दक्षिणी अमेरिका है, पाँचवें नंबर का अंटार्कटिका है, छठवें का यूरोप है, सातवें नंबर का ऑस्ट्रेलिया है। तो आज हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ब्रीफिंग करेंगे कि क्या है, किस महाद्वीप है, किस गोलार्ध में है, इसके पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है। आप और हम साथ साथ इसको पढ़ेंगे, और आप लोग साथ साथ इसके विधिवत नोट्स बनाते जाएं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये रही, जैसे ये रहा पृथ्वी रही है, और ये पृथ्वी में ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट देती है, ऊपर वाला गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। यानी ये गोलार्ध कौन सा है? उत्तरी, और ये गोलार्ध कौन सा है? दक्षिणी। तो आपको ये बताएंगे हम कि दक्षिणी गोलार्ध नीचे वाला है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। और तो अगर पहला क्वेश्चन आपसे सीधे पूछे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किस गोलार्ध में है, तो आप सीधे बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में है। समझ आया? समझ आया? दूसरी चीज, ऑस्ट्रेलिया शब्द ऑस्ट्रल भाषा से बना है, ऑस्ट्रेलिया शब्द ऑस्ट्रल भाषा से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बहुत दूर। क्या होता है? जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बहुत दूर। आगे, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्वेश्चन आएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जो है उस देश का नाम ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है या कैपिटल है वो केनबरा है, और केनबरा जो है, ऑस्ट्रेलिया शब्द ऑस्ट्रल भाषा से बना जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बहुत दूर, और केनबरा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मिलने का स्थान। क्या होता है? मिलने का स्थान। इसके बाद हम आगे देखते हैं, केनबरा मालोंगलो नदी की सहायक नदी बुरुम्बुजुगी नदी के तट पर है। कौन सी? बुरुम्बुजुगी नदी के तट पर है। मैंने आपको अभी 4 क्वेश्चन पढ़ाए, ज़्यादा नहीं पढ़ाया। मैंने आपको बताया क्वेश्चन आएगा सबसे छोटा महाद्वीप, क्वेश्चन आएगा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। दूसरा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया शब्द किस भाषा से बना? ऑस्ट्रल। ऑस्ट्रेलिया शब्द ऑस्ट्रल भाषा, ऑस्ट्रेलिया शब्द ऑस्ट्रल से बना है। ऑस्ट्रेलिया शब्द किससे बना है? ऑस्ट्रल से। ऑस्ट्रेलिया शब्द ऑस्ट्रल से बना है, और ऑस्ट्रल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बहुत दूर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी केनबरा है, केनबरा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मिलने का स्थान, और केनबरा मालोंगलो नदी की सहायक नदी बुरुम्बुजुगी नदी के तट पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में है। इतना समझ आया? इतना समझ आने के बाद हम आगे देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूरब में यहाँ पर कौन सा महासागर है, तो प्रशांत महासागर है, यानी पैसिफिक ओशियन। ठीक है, क्वेश्चन आएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण में कौन सा महासागर है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिण में इंडियन ओशियन। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में भी हिंद महासागर है। अब हम आगे देख के मैप से दिखाते हैं आपको, मैप से देखेंगे आप, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के पूरब में प्रशांत महासागर है, उत्तर में हिंद महासागर, पश्चिम में हिंद महासागर है, और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में, यानी दक्षिण नीचे का हिस्सा है, पश्चिम यहाँ का हिस्सा है, दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर है, जबकि दक्षिण पूरब में प्रशांत महासागर है। समझ आया?
मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में है, एक क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है, दूसरा क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, चौथा क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया शब्द ऑस्ट्रल से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बहुत दूर, पांचवा क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी में कैनबरा है, कैनबरा शब्द शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मिलने का स्थान। कैनबरा मालोंगलो नदी की सहायक नदी बुरुम्बुजगी नदी के तट पर स्थित है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। इसके आगे मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया के पूरब में प्रशांत महासागर है और यही प्रशांत महासागर दक्षिण पूर्व तक फैला हुआ है, जबकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में हिंद महासागर है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में हिंद महासागर है और इसका कुछ हिस्सा दक्षिण में भी आता है। क्लियर हुआ? यानी अगर क्वेश्चन आ जाए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किस गोलार्ध में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओशेनियाई महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या कहते हैं भाई? ओशेनियाई महाद्वीप। बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ेंगे हम, आराम आराम से सब समझ आएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी, याद भी हो जाएगा। ओशेनियाई, ओशेनियाई महाद्वीप। मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, मैंने क्या क्या बताया आपको। मैंने आपको बताया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की किससे बना है? ऑस्ट्रल से। ऑस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। कैनबरा शब्द का शाब्दिक अर्थ मिलने का स्थान, जबकि ऑस्ट्रेलिया शब्द का शाब्दिक अर्थ बहुत दूर। कैनबरा किस नदी की सहायक नदी? मालोंगलो नदी की सहायक नदी बुरुम्बुजगी नदी के तट पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में। ऑस्ट्रेलिया के बाद हमने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओशेनियाई महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओशेनियाई महाद्वीप क्यों कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओशेनियाई महाद्वीप कहने का मुख्य कारण ये है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पांच देश आते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर पे मेलानेशिया चौथे नंबर पे माइक्रोनेशिया पांचवें नंबर पे पेलानेशिया। यानी अगर अकेली ऑस्ट्रेलिया की बात होती तो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो पांच देश और मिल गए, कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पेलानेशिया, तो इसको सम्मिलित रूप से क्या कहने लगे हम? ओशेनियाई महाद्वीप। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किस गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया। अब भैया आगे देखेंगे हम, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से एक रेखा गुजरी है, अब आप बताएंगे हम नहीं बताएंगे ये कौन सी रेखा है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा है, ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण है, तो कौन सी होगी? 23.5 डिग्री में दक्षिण, मकर रेखा। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरी भैया? मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओशेनियाई महाद्वीप कहते हैं, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पेलानेशिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया शब्द ऑस्ट्रल से बना जिसका शाब्दिक अर्थ बहुत दूर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, कैनबरा शब्द का शाब्दिक अर्थ मिलने का स्थान। कैनबरा मालोंगलो नदी की सहायक नदी बुरुम्बुजगी नदी के तट पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया से कौन सी रेखा गुजरी? मकर रेखा। क्लियर? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में हिंद महासागर, उत्तर में भी हिंद महासागर है और दक्षिण में प्रशांत महासागर है। क्लियर? समझ आया? इसके बाद हम आगे देखते हैं कि ओशेनिया महाद्वीप में कितने देश बताए हमने? देश पांच आते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पेलानेशिया। क्लियर? अगर यहीं पे क्वेश्चन वो करता है कि ओशेनियाई महाद्वीप में ओशेनियाई महाद्वीप में छह बड़े नगर कौन कौन से हैं? छह बड़े नगर कौन कौन से हैं? नंबर एक है सिडनी, नंबर दो है मेलबोर्न, नंबर तीन है पर्थ, नंबर चार है एडिलेड, नंबर पांच है ब्रिस्बेन, नंबर छह है ऑकलैंड। ब्रिस्बेन, एडिलेड, ऑकलैंड,
मैंने आपको क्या बताया कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओशेनियाई महाद्वीप भी कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन देश आते हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पेलानेशिया, इन्हें पांचों को मिलाकर का बनता है ओशेनिया महाद्वीप। ओशेनिया महाद्वीप में कितने बड़े नगर हैं? 6। कौन कौन से हैं? सिडनी, मेलबोर्न, पर्थ, एडिलेड, ब्रिस्बेन, ऑकलैंड। इन 6 नगरों में सिर्फ ऑकलैंड एकमात्र नगर है जो कि न्यूजीलैंड में है, बाकी 5 नगर कहाँ हैं? ऑस्ट्रेलिया में। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओशेनिया महाद्वीप के 4 बड़े शिखर, ओशेनिया महाद्वीप के 4 बड़े शिखर कौन कौन से हैं? शिखर माने पीक यानी चोटी। ओशेनिया महाद्वीप के 4 बड़े शिखर कौन कौन से? नंबर 1 है माउंट कोसियुस्को, ठीक है, नंबर 1 क्या है? माउंट कोसियुस्को, माउंट विलहम, माउंट कुक, माउंट एगमोंट। यानी सबसे पहले यहाँ पर हम माउंट कर देते हैं और यहाँ पर माउंट कुक, दूसरे नंबर पर माउंट विलहम, फिर माउंट एगमोंट, माउंट कोसियुस्को, कोसियुस्को। ओशेनिया महाद्वीप के 4 बड़े शिखर कौन कौन से हैं? माउंट विलहम, माउंट कुक, माउंट एगमोंट, माउंट कोसियुस्को। इसमें माउंट एगमोंट कहाँ है? न्यूजीलैंड में। माउंट कोसियुस्को कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। माउंट विलहम कहाँ है? पापुआ न्यूगिनी में। कहाँ पर है? पापुआ न्यूगिनी में, पापुआ न्यूगिनी। माउंट कुक कहाँ है? न्यूजीलैंड में। पुनः फिर से, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किस गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में। कौन सी रेखा गुजरी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से? मकर रेखा। कितने डिग्री से? 23.5 डिग्री। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है, दक्षिणी गोलार्ध में है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओशेनियाई महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 5 बड़े, 2 देश और 3 बड़े द्वीप। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन्हें सबको सम्मिलित रूप से ओशेनिया महाद्वीप कहते हैं। ओशेनिया महाद्वीप में 6 बड़े नगर कौन कौन से हैं? सिडनी, मेलबोर्न, पर्थ, ब्रिस्बेन, एडिलेड, ऑकलैंड। इनमें 6 बड़े नगरों में सिर्फ ऑकलैंड को छोड़कर बाकी 5 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के 4 बड़े शिखर माउंट कुक, माउंट कोसियुस्को, माउंट एगमोंट, माउंट विलहम, ये 4 हैं, जिसमें माउंट कुक और माउंट एगमोंट न्यूजीलैंड में है, माउंट विलहम पापुआ न्यूगिनी में है, और माउंट कोसियुस्को ऑस्ट्रेलिया में है। आगे देखेंगे हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के 5 बड़े द्वीप। अब यहाँ 5 बड़े द्वीप भी बताएं। सबसे पहले हमने आपको बताया द्वीप क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो उसे हम द्वीप कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के 5 बड़े द्वीपों में कौन कौन से आते हैं? नंबर 1 है न्यूगिनी, नंबर 2 है उत्तरी द्वीप, नंबर 3 दक्षिणी द्वीप, नंबर 4 क्या है? तस्मानिया, और नंबर 5 है न्यू ब्रिटेन। इसमें भैया आपको कौन कौन से द्वीप कहाँ कहाँ है देखेंगे आप। देखिए जो न्यूगिनी है ये पापुआ न्यूगिनी में, कहाँ पर है ये? पापुआ न्यूगिनी में है, ठीक है। उत्तरी द्वीप, दक्षिणी द्वीप दोनों न्यूजीलैंड में है, ठीक है भैया। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया में है, कहाँ है? और न्यू ब्रिटेन कहाँ है भैया? पापुआ न्यूगिनी में। कहाँ पर है? पापुआ न्यूगिनी, ठीक है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर वो पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के 5 बड़े देश बताइए, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के 5 बड़े देशों में नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 पापुआ न्यूगिनी, नंबर 3 न्यूजीलैंड, नंबर 4 सोलोमन द्वीप समूह, और नंबर 5 है फिजी द्वीप समूह। इतना क्लियर होने की बात, अब हम एक बार पुनः बता देते हैं, ध्यान सुन लीजिए। जी बताइए भूमध्य रेखा ने पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांटा? 2। कौन कौन से हैं? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कौन से गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से 23.5 डिग्री दक्षिण से कौन सी रेखा गुजरती? मकर रेखा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और मकर रेखा इसके बीच में होने के कारण ये सूखा, यानी इसे प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक।
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का छोटा महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम ओशेनिया महाद्वीप भी कहते हैं। इसके अंतर्गत पांच देश आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पेलानोसिया। इन पांचों को मिलाकर सम्मिलित रूप से इसको क्या कहने लगे, ओशेनियाई महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया शब्द ऑस्ट्रल से बना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बहुत दूर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। कैनबरा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मिलने का स्थान। कैनबरा मालोंगलो नदी की सहायक नदी बुरुम्बुजगी नदी के तट पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओशेनिया महाद्वीप भी कहते हैं। और ओशेनिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पांच बड़े देशों में सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, नंबर दो पे पापुआ न्यू गिनी, नंबर तीन पे न्यूजीलैंड, नंबर चार पे सोलोमन द्वीप समूह, नंबर पाँच पे फिजी द्वीप समूह। फिजी की राजधानी सुआ है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओशेनिया महाद्वीप भी कहते हैं। इसमें छह बड़े नगर हैं और छह बड़े नगरों में पांच नगर ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, सिर्फ एक नगर ऐसा है जो न्यूजीलैंड में आता है। छह बड़े नगरों में कौन कौन से, सिडनी, पर्थ, एडिलेड, ब्रिस्बेन और मेलबोर्न। और एक नगर जो है वो कौन सा है, एडिलेड, जो ऑकलैंड है सॉरी, वो न्यूजीलैंड में। सिडनी, मेलबोर्न, पर्थ, ब्रिस्बेन, एडिलेड, ये सब कहाँ ऑस्ट्रेलिया में, ऑकलैंड कहाँ न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के चार बड़े शिखर माउंट कुक, माउंट एगमोंट, माउंट बिलहम, माउंट पेगमोंट, माउंट कुक, माउंट बिलहम, माउंट एगमोंट, माउंट कोसियोस्को। इसमें माउंट कुक और माउंट एगमोंट ये दोनों न्यूजीलैंड में हैं, माउंट बिलहम पापुआ न्यू गिनी में है, माउंट कोसियोस्को ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर हुआ। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पांच बड़े द्वीप, पांच बड़े द्वीप कौन कौन से हैं, न्यू गिनी, उत्तरी द्वीप, दक्षिणी द्वीप, तस्मानिया, न्यू ब्रिटेन। जिसमें उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप दोनों ऑस्ट्रेलिया में हैं, न्यू गिनी पापुआ न्यू गिनी में है, तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया में है, न्यू ब्रिटेन पापुआ न्यू गिनी में। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अधिकतर द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी और उसकी चट्टानों से हुई है। किससे हुई है, ज्वालामुखी अथवा मूंगा चट्टानों के द्वारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की उत्पत्ति हुई है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की उत्पत्ति ज्वालामुखी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की उत्पत्ति, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की उत्पत्ति ज्वालामुखी और मूंगा चट्टानों से हुई है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद हमने आपको इतना बता दिया, अब हम इसके आगे थोड़ा और आगे चलते हैं। ऐसा करो, अब हम आगे देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कुछ भाग को छोड़कर पूरा ऑस्ट्रेलिया उष्ण कटिबंध में है। तो देखो, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जैसे ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी से ये भूमध्य रेखा गुजरी है, ये 0 डिग्री पर है। इसके उत्तर में 23.5 डिग्री यहाँ पर एक रेखा है, उसका नाम है कर्क रेखा। और यहाँ पर 23.5 डिग्री दक्षिण में एक रेखा है, उसका नाम है मकर रेखा। तो मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच जो क्षेत्र होता है, कर्क रेखा को अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, इसको हम भूमध्य रेखा को अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वेटर, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम उष्णकटिबंध कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कुछ भाग को छोड़कर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के कुछ भाग को छोड़कर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड को कुछ भाग को छोड़कर पूरा ऑस्ट्रेलिया किस कटिबंध में, उष्ण कटिबंध। क्वेश्चन से आया समझ में, यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दो, बाकी पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किस कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में। उष्ण कटिबंध हमने बताया आपको कहाँ से कहाँ के बीच होता है, भैया बताइए। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच को क्षेत्र को क्या कहते हैं हम, उष्ण कटिबंध। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के कुछ भाग को छोड़ दो, कुछ भाग को छोड़कर पूरा ऑस्ट्रेलिया किस कटिबंध में है, भैया बोलो, उष्ण कटिबंध में। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन आएगा, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या नहीं पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हिमानी भी नहीं पाई जाती, क्या नहीं पाई जाती, हिमानी भी नहीं पाई जाती। भैया ज्वालामुखी तो जानते हैं अंग्रेजी में जिसे वोल्केनो कहते हैं, हिमानी क्या होती, बर्फ की नदी। क्वेश्चन आता है, ऐसी कौन सा महाद्वीप है जिसमें ज्वालामुखी नहीं पाई जाती, ऑस्ट्रेलिया। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें हिमानी नहीं पाई जाती, ऑस्ट्रेलिया। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें भूकंप नहीं आते हैं, ऑस्ट्रेलिया। भूकंप किस महाद्वीप में नहीं आते भैया,
भूकंप नहीं आते हैं किस में? ऑस्ट्रेलिया में। हिमानी किस में नहीं पाई जाती? ऑस्ट्रेलिया में। ज्वालामुखी किस में नहीं पाए जाते? ऑस्ट्रेलिया में। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? प्यासी भूमि। मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया आदि के बीचों बीच से मकर रेखा गुजरी है, मकर रेखा के गुजर जाने के कारण इसे प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश। भैया विश्व की सबसे कम जनसंख्या कहाँ रहती है? विश्व की सबसे कम जनसंख्या, विश्व की सबसे कम पॉपुलेशन, विश्व की सबसे कम जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में रहती है। और आपको बता दूं मैं कि विश्व की सबसे कम जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में रहती है, लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भारत साल भर में जितनी जनसंख्या भारत में पैदा होती है उतनी कुल जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की है। यानी हिंदुस्तान में एक साल में जितनी जनसंख्या का प्रोडक्शन है उतनी कुल जनसंख्या कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। और भैया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जनसंख्या से ज़्यादा क्या पाई जाती हैं? भेड़ें। क्वेश्चन आएगा ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें जनसंख्या के ज़्यादा भेड़ें पाई जाती हैं? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों में लगे हुए मजदूरों को कहते हैं जकीरू। क्या कहते हैं? जकीरू। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों में लगे हुए मजदूरों को कहते हैं जकीरू। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में इंसानों से ज़्यादा क्या पाई जाती हैं? भेड़ें। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक साल में जितनी जनसंख्या भारत में पैदा होती है उतनी जनसंख्या कुल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की है। विश्व में सबसे कम जनसंख्या किस महाद्वीप की? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन आएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज कब हुई? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज 1770 में हुई। किसने की? जेम्स कुक ने। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज कब हुई? 1770 में हुई। किसने की? जेम्स कुक ने। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज कब हुई? 1770 में। किसने की? जेम्स कुक ने। और जेम्स कुक किस बंदरगाह पर उतरा था? पोर्ट जैक्सन पर। कहाँ पर दिख रहा भैया? देखो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज 1770 में हुई, ये खोज हो गई। किसने की? जेम्स कुक ने। ये खोजकर्ता हो गए। कहाँ पर उतरा ये? पोर्ट जैक्सन में उतरा। कहाँ पर उतरा? वर्तमान में जो पोर्ट जैक्सन है ये सिडनी बंदरगाह के पास है। कहाँ है? वर्तमान में पोर्ट जैक्सन है वो सिडनी पोताश्रय है। पोताश्रय माने क्या होता है? बंदरगाह। क्या होता है? बंदरगाह यानी डॉकयार्ड। मैंने आपको क्या बताया, फिर से सुनिए। ऑस्ट्रेलिया, भैया यहीं से बता रहे हैं, फिर से सुनिए। यहाँ देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के थोड़े थोड़े हिस्से को छोड़ दें तो पूरा ऑस्ट्रेलिया किस कटिबंध में? उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध कहाँ से कहाँ के बीच होता? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का कुछ हिस्सा मकर रेखा के दक्षिण में होगा, न्यूजीलैंड का कुछ हिस्सा मकर रेखा के दक्षिण में होगा, तभी तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कुछ भाग को छोड़कर पूरा ऑस्ट्रेलिया उष्णकटिबंध में। क्लियर हुआ? इसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरी? मकर रेखा 1.5 डिग्री दक्षिण में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या नहीं आते? भूकंप नहीं आते। क्या नहीं पाई जाती? हिमानी नहीं पाई जाती। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप खोज कब हुई? 1770 में हुई। किसने की? जेम्स कुक ने की। ये कहाँ पर उतरा था? पोर्ट जैक्सन पर उतरा था। पोर्ट जैक्सन बंदरगाह वर्तमान में कहाँ है? सिडनी पोताश्रय यानी सिडनी बंदरगाह में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं पाए जाते। क्वेश्चन आएगा ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें ज्वालामुखी नहीं पाए जाते? ऑस्ट्रेलिया। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें भूकंप नहीं पाए जाते? ऑस्ट्रेलिया। ऐसा कौन सा महाद्वीप जिसमें हिमानी नहीं पाई जाती? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया खोज कब हुई? 1770 में। किसने की? जेम्स कुक ने। कहाँ उतरा? पोर्ट जैक्सन में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कुछ भाग को छोड़कर पूरा ऑस्ट्रेलिया किस कटिबंध में है? उष्णकटिबंध में। उष्णकटिबंध कहाँ से कहाँ के बीच होता है? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच। समझ आया? इसके बाद विश्व की सबसे कम जनसंख्या कहाँ रहती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो कुल जनसंख्या है भारत उतनी एक साल में पैदा होती है। यानी भारत में एक साल में जितनी जनसंख्या पैदा होती है उतनी कुल जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में इंसानों से ज़्यादा क्या है? भेड़ें। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में इंसानों से ज़्यादा क्या पाई जाती है? भेड़ें। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भेड़ पालन केंद्रों में लगे हुए मजदूरों का कहते हैं जकेरू। क्या कहते हैं? जकेरू। विश्व की सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। क्लियर हुआ? इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया न्यूगिनी के बीच यहाँ पर एक जलसंधि है। जलसंधि का नाम क्या है? टॉरस। क्या नाम है भैया? टॉरस। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच जो जलसंधि है उसका नाम क्या है? बॉस। क्या नाम है? बॉस। अब हम जो तुम्हें दिखा दें, देखिए भाई, देखिए सबसे पहले ये ऑस्ट्रेलिया है, दिख गया? देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है और देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, ये तस्मानिया है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच ये जलसंधि है उसका नाम है बॉस। समझ आया? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच जो जलसंधि है उसका नाम क्या है? बॉस। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच कौन सी जलसंधि है? बॉस। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच कौन सी जलसंधि है?
क्वेश्चन आएगा ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच कौन सी जलसंधि है, बोलिए बॉस। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बताया हमने, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच कौन सी जलसंधि है, टॉरस। तो देखो भाई ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, अब न्यू गिनी आपको दिखाना है, जी देखो न्यू गिनी है, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच जो जलसंधि है उसका नाम क्या है, टॉरस। क्या नाम है, टॉरस। भाई ये क्वेश्चन आएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच कौन सी जलसंधि है, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच टॉरस जलसंधि है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच कौन जलसंधि है, बॉस। समझ आया, इसके बाद हम आगे देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया एक देश है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया देश में, ऑस्ट्रेलिया देश में भैया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पूछेगा तो कितने देश आते हैं, 22, कितने, जबकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, देखो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, कौन सा भैया, ऑस्ट्रेलिया में दो केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी यूनियन टेरिटरीज हैं और 6 राज्य, कितने राज्य हैं, 6 राज्य, और 6 राज्य कौन कौन से हैं, देखिए नंबर 1 है पर्थ, नंबर 2 है एडिलेड, नंबर 3 है डार्विन, नंबर 4 पे सिडनी, नंबर 5 है ब्रिस्बेन। देखिए भैया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने 6 राज्य हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 6 बड़े राज्य हैं, कौन कौन से, पर्थ, एडिलेड, डार्विन, सिडनी, ब्रिस्बेन, और 6वां है मेलबॉर्न, कौन सा है भैया, मेलबॉर्न। फिर से सुनिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में कितने राज्य हैं, 6 बड़े राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 6 राज्य कौन कौन से हैं, पर्थ डार्विन एडिलेड सिडनी ब्रिस्बेन और मेलबॉर्न। पर्थ की राजधानी क्या है, पर्थ जो है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता, कहाँ पड़ता, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, एडिलेड उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, एडिलेड कहाँ पड़ता, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, डार्विन कहाँ पड़ता, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पड़ता, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन क्वींसलैंड, मेलबॉर्न की विक्टोरिया, मेलबॉर्न की क्या है, विक्टोरिया, और सिडनी की याद नहीं आ रही, सिडनी का न्यू साउथ वेल्स। जरा सुनिए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, पर्थ, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, देखिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है, ठीक है, फिर है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी डार्विन है, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है, क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है, विक्टोरिया की राजधानी क्या, मेलबॉर्न। ये 6 बड़े केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 6 राज्य हो गए, अब 2 केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से, हॉबार्ट और केनबरा। हॉबार्ट की कैपिटल क्या है, तस्मानिया, हॉबार्ट की कैपिटल तस्मानिया है, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश केनबरा की कैपिटल कैनबरा ही है। देखिए एक बार पुनः मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए बिल्कुल ध्यान से, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कुछ भाग को छोड़कर पूरा ऑस्ट्रेलिया किस कटिबंध में है, उष्णकटिबंध में, एक चीज़ हो गई। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या नहीं पाए जाते, ज्वालामुखी, और क्या नहीं पाए जाते, भूकंप, और क्या नहीं पाए जाते, हिमानी, क्लियर। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को किस महाद्वीप किसका देश कहते हैं, प्यासी भूमि का देश। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरी, मकर रेखा, कितने डिग्री पर है, 23.5 डिग्री, और कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच जो भी देश पाए जाएंगे, जो भी क्षेत्र पाया जाएगा, वो उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कुछ हिस्सा, कुछ भाग को छोड़कर बाकी पूरा ऑस्ट्रेलिया के अंश में उष्ण कटिबंध में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भूकंप नहीं आते, ज्वालामुखी नहीं फटते, विमानी नहीं पाई जाती, प्यासी भूमि का देश कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप खोज 1770 में जेम्स कुक ने की थी, ये पोर्ट जैक्सन पर उतरा था, पोर्ट जैक्सन वर्तमान में सिडनी पोत आश्रय पर है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में इंसानों ज़्यादा कब पाई जाती, भेड़ें, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों में लघु मजदूरों का कहते हैं जकेरू। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व की सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे छोटा है, जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल जनसंख्या जितनी उतनी जनसंख्या भारत एक साल में पैदा होती है, ठीक है। इसके बाद
ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच कौन जल संधि है? टॉरस। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच कौन जल संधि है? बॉस। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया मादी का एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी क्या है? होबार्ट। ऑस्ट्रेलिया मादी में सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 6 राज्य कौन कौन से? पर्थ, एडिलेड, डार्विन, सिडनी, ब्रिस्बेन, मेलबोर्न। इनकी राजधानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी डार्विन है, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है, क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है, विक्टोरिया की राजधानी मेलबोर्न है। 2 बड़े केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? होबार्ट और केनबरा। होबार्ट तस्मानिया, होबार्ट की कैपिटल तस्मानिया और केनबरा की केनबरा है। इतना समझ आया आपको? अभी मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया मादी में कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ उसकी ब्रीफिंग की है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करें। और मैं अभी हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।